हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज हम देखने वाले हैं संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती। वैसे ये तो आपको कॉमनली याद ही होगी और लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैंने आपको ये प्रोवाइड कराई हुई थी लर्न करने के लिए। बट अभी मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इजिली से लर्न कर सकते हैं अगर आपको लर्न नहीं होता है। तो जिन्हें नहीं लर्न है वो याद भी कर लेंगे और जिन्हें याद करने में मुश्किल होती है वो देख लेंगे कि कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। साथ में हम जानेंगे कि जो संख्या होती हैं वो कई लिंगों में होती हैं, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे 100 तक की गिनती है। अब इतना भी कठिन नहीं है 100 तक की गिनती याद करना, पर आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। पहले तो आपको ये देखना है कि जो चार तक की जो संख्या होती है, शून्य को छोड़ दीजिए, ठीक है। 0 को शून्य बोलते हैं, इसको छोड़ दीजिए। 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं आपकी तीनों लिंग में चलती हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, यानी इनके तीनों रूप बनते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको त्रय मिलेगा 3 का, कहीं पे त्रीणी मिलेगा, कहीं पे त्रिस्ता मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो त्रय याद किया है तो त्रीणी तो गलत है 3 का मतलब। तो ऐसा नहीं है, तीनों लिंगों में चलता है। तो आपका 1 को क्या बोलते हैं, एकह भी बोलते हैं, एका भी बोलते हैं स्त्रीलिंग में, और एकम भी बोलते हैं। सिमिलरली 2 को द्वो, द्वे, द्वे, त्रय, त्रिस्ता, त्रीणी। ये पहला आपका पुलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग में जा रहा है। 4 का देख लीजिए, चत्वारह, चतस्त्रह, चत्वारी। तो इस तरह से इसके आप हालांकि इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं। सिंपल आप पुलिंग वाला याद कर लीजिए, वो भी बेस्ट है, पर याद सब होना चाहिए कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आपको ये चारों के तीनों तीनों रूप याद कर लेने हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद। तो उसके बाद एक चीज़ अच्छी है कि रूप जो है वो सेम चलेगा, एक ही चलेगा, मतलब आपको सिर्फ एक याद करना पड़ेगा, 3-3 नहीं याद करने हैं। अब यहाँ पे आपको कितने याद करने हैं, 100 तक अगर आपको याद करना है गिनती, तो बस आप पहले तो ये 10 तक याद कर लीजिए, ठीक है। और 10 तक याद करना बहुत आसान है, ऊपर आपने याद किया, उसके बाद आपको यहाँ पे आना। भी पंच को क्या बोल, 5 को पंच, 6 को षट, ठीक है, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दस। तो ये इतना कठिन नहीं है। अब जब आपने इतना याद कर लिया है तब आ जाइए इसके आगे। इसके आगे की गिनती याद करने के लिए आगे ये सब जितना लिखा है वो सब याद करने की बजाय आप याद करिए एक सीरीज़, और उसके बाद मैं आपको ये समझा देती हूँ कि सीरीज़ को कैसे पुट करना है, ठीक है, उसमें कैसे नंबर्स को आपको लिखना है। तो आपको क्या सीरीज़ याद करनी है, आपने 1 से 10 तक की गिनती याद कर ली, ठीक है, नहीं की है तो कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दिया करिए, आराम से देख के लर्न कर लिया करिए। एट द टाइम पोस्टपोन नहीं करिए कि चलिए बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे तो फिर वो बात का बात में रह जाता है। अब आपको याद करना है 20, 20 को बोलते हैं विंसति, 30 को त्रिंसत, 40 को चत्वारिंसत, 5 को पंचासत। एक चीज़ आप ध्यान देखिएगा, सब में सत आ रहा है, ठीक है, लास्ट में सब में सत आ रहा है, ठीक है। 60 का षष्ठी, 70 का सप्तति, 80 का अशीति, 90 का नवति, और 100 का शतम। ये इतना आपने याद कर लेना है पहले। अभी आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। अब आपने इतना याद कर लिया, अब इन केस आपको लिखना है 22, मतलब कि 22 लिखना है, या आपको 45 लिखना है, ठीक है, आपको 61 लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इन्हीं से। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 10 के आगे बढ़ना है, 11, 12, 13, इस तरह से करके। तो आपको पता है कि 10 को क्या बोलते हैं, 10। अब आपको 1 से 9 तक की गिनती भी याद है, तो 1 को क्या बोलते हैं, 1, 1 बोलते हैं, और बन गया 10। तो क्या बन गया, इसको जोड़ के एकादश। इसी तरह से द्वय और दस, द्वादश, त्रय और दस, त्रयोदश, ठीक है, चतुर और दस, चतुर्दश, पंच दस, पंचदश, ठीक है, षड दस, षोडश। इस तरह से आप ये पूरा 9-10 तक बना सकते, 19 तक। अगेन 20 आया, 20 आपने ऑलरेडी याद कर रखा है ना, विंसति भी ऊपर आपने सीरीज में याद किया, वो जैसे याद करते ना 10, 20, 30, 40, ऐसे आपने याद किया है विंसति। अब आगे आपको लिखना है 21, 22, ये सीरीज बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जैसे आपने ऊपर भाई 10 के साथ 1 लगा तो बना एकादश, अब 20 के साथ 1 लगेगा तो एक विंसति। 20 की आपको संस्कृत लिखनी है, सब में देखिए विंसति लगा है, सब में लगा है,
और पहले क्या लगा है, पहले वही सारे शब्द लगे हैं जो आपने ऊपर एक से लेकर नौ तक की गिनती याद की थी। एक विंशति, दो विंशति, त्रयो विंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, ठीक है। तो यानी 20 के साथ लगाना है तो विंशत लगाते जाइए पूरा नौ विंशति तक। इसके बाद आ जाएगा आपका 30, त्रिंसत। अब अच्छा, आगे चल के थोड़ा सा कठिन आता है, एग्ज़ाम में जनरली ये सब पूछता भी नहीं है, आगे जाके पूछता है ना, 80 के ऊपर वाले फिर जो है नंबर्स पूछना स्टार्ट करता है। तो बस इसको आप इसी तरह से याद कर सकते हैं, त्रिंसत है तो उसमें लगाते जाइए, एक त्रिंसत, दो त्रिंसत, त्रय त्रिंसत, जो भी लगा देंगे उतना ही बन जाएगा। जैसे 35 लिखना है तो त्रिंसत मतलब 30, और उसके आगे पंच लगा दीजिए तो उसमें जुड़ जाएगा 5, बन गया पंचात्रिश त्रिंसत, पंच त्रिंसत मतलब 35। इस तरह से आप पूरे ही नंबर बना सकते हैं। अभी चेंज कहाँ पे आएगा वो आपको देखना है। 40 का भी सेम वैसे ही बनेगा, चतुर्विंशत, ठीक है। 60 का भी षष्ठी से बन रहा है, देखिए आप सब में बस षष्ठी लगा हुआ है, आगे का बिल्कुल सेम है, आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। सप्तति, 70 के लिए सब में सेम है आगे का। अशीति, 80 के लिए, अब यहाँ से आपको देखना है क्योंकि एग्ज़ाम में 80 के आगे का ज़्यादा पूछता है। अशीति, 80, अब वही चीज़ आपको करना है, एकाशीति। अब आप कहेंगे एक अ कहाँ चला गया, तो देखिए भाई एक धन अशीति, ठीक है। तो ये क और अ जुड़ा तो क्या बन गया, सीध सिंपली क बन गया ना आपका, इका बन गया, ठीक है, एका दीर्घ संधि से, तो ये बन गया आपका एकाशीति। इस तरह से ये पूरा आपका बनता जाएगा। नवासीति तक आ गए, फिर नवति आ गया, 90। तो एक नवति, द्वि नवति, त्रि नवति, चतुर नवति, पंच नवति, ये आप कितना आसान है, तो आपको ये सारी ही गिनती याद हो गई। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कभी कभी बहुत यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि कंफ्यूज करने के लिए कैसे पूछता है। जैसे 19 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब जो बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपने एक पूरी गिनती 100 तक याद कर ली पर एग्ज़ाम में कुछ ऐसी गिनती आ जाएगी जो आप सोचेंगे कि अरे ये क्या हो गया। तो जैसे 19 है तो आपने पढ़ा है 9-10, सिंपली 9-10 सरल है, इजी है, पर इसको और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, एकोन विंशति, एकोन विंशति। और अगर आपने इस तरह से याद किया है तो डेफिनेटली आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि लगा है विंशति, आगे लगा है एक, तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ऑप्शन में अगर रहेगा 21 तो पक्का आप 21 लगा के चले आएंगे, क्योंकि विंशति है तो मतलब 20 के बाद का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई भी, जैसे विंशति लिखा है और इसके पहले एकोन लिखा है, ध्यान रखिएगा एकोन, चाहे विंशति के साथ लगा हो, पंचासत के साथ, किसी के भी साथ एकोन लगा हो, तो इसका मतलब है एक न, एक न मतलब एक कम है, ठीक है, एक कम है, यानी 20 में एक नहीं है, बचा कितना 19, तो 19 के लिए एकोन विंशति। इसी तरह से 29 का देखेंगे, अभी आपने 9 विंशति याद किया है तो उसको क्या कहेंगे, एकोन त्रिंसत, और क्या कह सकते हैं, एकोन त्रिंसत मतलब 30 में एक नहीं है। इसी तरह से आपका, और यह ऐसे ही पूछता है बिल्कुल, ये सिंपल वाले बहुत कम ही पूछेगा, ये बस आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब लिखने के लिए आए कि इसकी संस्कृत लिखी है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है, बट इन केस ऑप्शन में आया तो फिर ऐसे ही पूछेगा। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा टफ नहीं था, और क्योंकि डिमांड थी इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया, अदरवाइज़ वीडियो बनाने की ज़रूरत इस पर थी नहीं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो फटाफट से इसको लाइक करिए, चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसको लाइक तो करिए ही, साथ में मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF भी शेयर कर दूंगी, तो आप आराम से वहाँ से याद भी कर सकते हैं, परमानेंटली अपने पास रख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब नाउ, एंड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन इससे मिलता है कि जब देखते हैं हम अपने पेज में कि इसको शेयर किया गया है तो बहुत खुशी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।